वेस्टर्न न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए लाइक सब्सक्राइब कमेंट एवं शेयर कर पी अपडेट में हिंदू समाज पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पश्चिम बंगाल में हिंदुत्व का मुख्य मुद्दा बनाकर विधानसभा चुनाव 2021 में प्रतिद्वंद्विता करेगी। हिंदुत्व का विकास एवं उत्थान मुख्य रूप से मुद्दा रहेगा। मंदिर सरकार के अधीन कर गैर कानूनी बोल कर तोड़ने एवं बेचकर जनहित कार्यों को हिंदू समाज पार्टी नकारती है। हिंदुओं से छलावा भेदभाव वोट बैंक का इस्तेमाल किया जाता है। इस बार पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर चुनाव प्रतिद्वंद्विता करेगी। हिंदुओं का साथ और विकास को पश्चिम बंगाल में मुख्य मुद्दा बनाकर चुनाव में भाग लेगी। इस बात की जानकारी पार्टी पश्चिम बंगाल प्रदेश अध्यक्ष आशीष गुप्ता एवं रघुनाथ ठाकुर हावड़ा जिला के अध्यक्ष सहित कार्यकर्ता ने दिया था। उनके लिए बखवोट है, उनके लिए पोप का ऑर्डर आता है। और दूसरी तरफ मंदिरों से, जैसे आपने कल भी सुना होगा कि लगभग 46,000 करोड़ की जमीन, 46,000 एकड़ जगन्नाथ मंदिर की जो जमीन है, देश और प्रदेश में अलग अलग जगहों पर फैली हुई, उनको बेचने का काम किया जा रहा है उत्तर उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस तरह की जो बातें की जाती है सिर्फ हिंदुओं के साथ की जाती है, मुसलमानों के साथ या और धर्म के लोग जो अपने देश में रहते हैं उनके साथ, तो हिंदुओं का कौन है? समस्या ये है कि हिंदू बहुसंख्यक होते हुए हिंदुओं के साथ कौन है? सभी वोट के लिए हिंदुत्व का इस्तेमाल करते हैं, हिंदुओं का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा, जो मुख्य मुद्दा है कि हिंदुत्व का धीरे धीरे उनको पतन की तरफ ले जाया जा रहा है, वो संभालने के लिए, उसको उसका मुद्दा उठाने के लिए आज हिंदू समाज पार्टी अपने आप को सक्षम मानती है और इसी मुद्दे पर काम कर रही है। पश्चिम बंगाल में रूप में हम लोग एक राजनीतिक दल के हिसाब से काम कर रहे हैं, क्योंकि आज आज़ादी के 75 साल होने को आए हैं, पर हिंदुओं की आवाज़, आज भी हिंदू भारत में गुलामी की तरह जिंदगी जी रहा है, क्योंकि सभी को अपने अपने धर्म के लिए, या उनके मस्जिद स्वतंत्र है, ईसाई घर स्वतंत्र है, पर मंदिर आज भी सरकार के अधीन है और मंदिर के पैसे को लेकर सरकार चल रही है और वही सरकार इन मंदिरों को गैरकानूनी बोल के तोड़ दे रही है और उनके संपत्ति को बेच कर करके सरकार जनहित कार्य कर रही है। तो ये एक तरह से हिंदू आज भी इस देश में गुलाम है, इस बात को हम लोग समझते हैं और मानते हैं, इसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। हमारा लक्ष्य 100 सीटों पे प्रार्थी देने की है, क्योंकि आज भी बंगाल की जितनी जनता है, बंगाल की जनता को हमेशा ठगा गया है और अलग अलग वादों में लुभाया जा रहा है, जबकि हिंदू समाज पार्टी हिंदुओं की बात को प्रखरता से रख रही है, हिंदुओं का साथ, हिंदुओं का विकास बोल करके पार्टी आगे बढ़ रही है। बंगाल के हर एक जिले में जिनमें अभी तक नॉमिनेशन की तारीखें अभी भी है, बाकी उन सभी में जिलों में हम लोग देने की बोला, हुगली है, बर्धमान है, बीरभूम है, दिन आपका कुछ बिहार है, मालदा है, दिनाजपुर है, इन सभी जिलों में, हावड़ा, कलकत्ता, सभी जिलों में देने की पूरी तरह से हमारी बात चल रही है। नहीं जी, ऐसे हम लोग अलायंस में ये नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम किसी को, देखिए, सेकुलर हो या धर्म निरपेक्ष हो या सबका साथ सबका विकास की बात हो, सभी तो बात एक ही है, मीनिंग सबका एक है। भारत के जनता के खजाने में बहुत बड़ी पैसा है, अगर आप स्विस बैंक से ले ले, मॉरिशस बैंक में ले ले, तो भारत का लगभग 120 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा विदेशी बैंकों में है, उन सभी पैसों को ला करके भारत को पूरा तरह से स्वावलंबी, आर्थिक रूप से स्वावलंबी, मतलब बनाने की हमारी पूरी चेष्टा रहेगी, क्योंकि इन इन छोटे छोटे देशों के पास हमारी जो सेना है किस काम के लिए है? सिर्फ हमारे पाकिस्तान और चाइना को डराने के लिए है? जो स्विस बैंक है या मॉरिशस वाले लोग हैं, उन्हें उनसे पैसा निकालने के लिए हमारी रणनीति में कम में नहीं आएगी? देखिए, बंगाल की क्रांतिकारी हो या विदेशों की क्रांतिकारी हो, बंगाल सिर्फ अपनी बात को नहीं रखता है। आज सभी बोल रहे हैं सोनार बंगला बनाएंगे, कोई बोल रहे हैं खेला हमें, पर खेला होने में क्या बंगाल अपनी वंदे मातरम की सोच, जनगण की जो भावना वाली बात थी, गीत वाली बात थी, उसमें देश की बात को नहीं रख रहा है? तो मैं आज भी हिंदुओं का साथ, हिंदुओं के विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के समक्ष जाऊंगा।